जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि ये क्या है और कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा वक्त अपने आप को दीजिए और थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए ताकि मैं ये जानकारी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पर आओगे तो आप देखोगे 25 जनवरी के अंदर आपका यहां पर अपडेट है ऑनलाइन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय DIIT DRDO। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर इसका PDF आ जाएगा। तो ये जो आपके DRDO है, DRDO ने आपके दो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। एक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और दूसरा आपका यहाँ पर है साइबर सिक्योरिटी। तो ये आपकी एक इंटर्नशिप कहलाई जाती है और इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा ये आप जान लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको ओवरव्यू दिया है। ये बेसिकली आपका 12 वीक्स का ऑनलाइन कोर्स है जिसके अंदर आपके टॉपिक्स रहेंगे, यानी कि इन टॉपिक्स को आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और जैसा कि आपने देखा ड्यूरेशन मैंने आपको बताया कि 12 वीक्स का है। डेली आपकी 2 घंटे की कॉन्टैक्ट क्लासेस रहेगी और ये आपकी हफ्ते में 5 दिन होगी। इसी के साथ एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपको बोला है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर दी टेस्ट इज मैंडेटरी, यानी कि जो यहां पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। जो कैंडिडेट एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे वही लोग इसमें भाग ले सकेंगे और वही लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कर पाएंगे। और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसकी कोई फीस नहीं है, बट अगर आप वहां पर सिलेक्ट हो जाते हो फिर आपकी यहां पर 15,000 रुपये फीस है जिसमें कि GST भी इंक्लूड की गई है। और यहां पर जो आपका सिलेबस है, सिलेबस आप देख सकते हो, ये आपका सिलेबस रहेगा एंट्रेंस टेस्ट का। आपकी फीस यहां पर एंट्रेंस टेस्ट की कोई नहीं है। अगर आप वहां पर मेरिट में नाम बना पाते हो तो आपको 15,000 रुपये फीस पे करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों जो आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है उसकी लास्ट डेट आपकी 26 फरवरी 2021 रखी गई है और जो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो आपके 28 जनवरी से हो चुके हैं इस वेबसाइट के माध्यम से, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला भी हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। आपकी जो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है वो आपकी 20 फरवरी 2021 है, यानी कि यहाँ पर 15 फरवरी 2021 तक तो आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके 20 फरवरी 2021 को एंट्रेंस टेस्ट होगा, 22 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट और जो फीस है फीस पे करने की आपकी 26 फरवरी 2021 डेट रखी गई है। ये जो मैंने आपको ऊपर डेट बताई थी ये आपकी रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट ना होकर के आपकी फीस जमा करने की लास्ट डेट है, जो कि आपकी 15,000 रुपये है अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के अंदर अपना नाम बना पाते हो। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोई भी फीस नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका कोर्स है वो आपका 28 फरवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। अगर आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी DRDO से चाहिए तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट करना होगा। अब नीचे जो आपका दूसरा प्रोग्राम है ये है आपका साइबर सिक्योरिटी का, ये भी 12 वीक्स का रहेगा। इसका भी फॉर्मेट सेम है, इसमें भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है और इसकी फीस भी आपकी सेम रखी गई है जैसे कि आपने ऊपर देखा है और डेट यहाँ पर इसकी भी सेम है। तो आपने जान लिया है कि ये आपका एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इसको करने के बाद में DRDO की तरफ से। और आपको पता ही है कि DRDO की इंटर्नशिप की वैल्यू कितनी हाई होती है। तो अब यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन है या एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर आप वहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम बना पाते हो फिर आपको 15,000 रुपये फीस पे करनी होगी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। अब चलिए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको ये लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर के ऊपर यहां पर राइट साइड में क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहां पर अपना फर्स्ट नेम एंटर कीजिए। ये जो आपका नेम है ये आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार होना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पर अपना लास्ट नेम आपको एंटर करना है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे अपना पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है, जो कि एक ऐसा होना चाहिए जो जिसमें कि स्मॉल वर्ड कैपिटल वर्ड इस तरह के पासवर्ड हो। बेसिकली मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको अपने नाम का एक जो शुरू का वर्ड है वो कैपिटल में रखना है, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर में आपको @ का इस्तेमाल कर लेना है और कोई भी डिजिट बाद में लगा देना है। तो आपका ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर
क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं, जो भी पासवर्ड आपने रखा इसको डाल करके कंफर्म कर देना है। बर्थ आपको यहाँ पर जेंडर चूज करना है, तो यहाँ से मेल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों है एफिलिएशन। एफिलिएशन से मतलब है कि आपने अपनी BA या फिर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से किस यूनिवर्सिटी से की है आपको वो यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं CCSU लिख देता हूँ, या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी का फुल नेम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम डालना है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम यहाँ पर देना होगा। ये सब जानकारी भरने के बाद आपको चेक करनी है, और चेक करने के बाद श्योर होकर के आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, आपकी जो ईमेल आईडी यहाँ पर आपने फिलअप की थी उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे CS के नाम से आपकी पास ईमेल आई होगी, आपको यहाँ पर इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका नाम दिया गया, नीचे है आपका URL टू लॉगिन, आपको लॉगिन करने के लिए इस URL के ऊपर क्लिक करना है। यूजर नेम आपकी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड भी यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, और अब आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी यूजर नेम है, जो कि आपकी ईमेल आईडी है, वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। डालने के बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको अपना डालना है, यानी कि उसको एंटर करना है। फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां पर आपके दोनों प्रोग्राम दिए गए हैं, एक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है साइबर सिक्योरिटी। तो आपको किस प्रोग्राम में इनरोल होना है वो आपको यहां पर डिसाइड करना है। आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके यहां पर इनकी डिटेल्स भी व्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने यहां पर इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी आ चुकी है, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी दी थी। अब आपको यहां पर इनरोल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे यू आर सक्सेसफुली इनरोल्ड फॉर साइबर सिक्योरिटी बैच 2 एंट्रेंस टेस्ट। यहां से आपको इसको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद यहां पर दोस्तों माय डैशबोर्ड में आप देखोगे कि आपका जो एग्जाम डेट है वो आपका 21 फरवरी 2021 3 बजे है। ये जो भी आपके सामने डेट आएगी वो आपको ध्यान रखनी है, और उसी दिन आपको उस टाइम पर जाकर के यहां पर टेक टेस्ट के ऊपर क्लिक करके इस एंट्रेंस टेस्ट को ऑनलाइन देना होगा। अगर आप यहां पर क्वालिफाई हो जाते हो, फिर आपको जो यहां पर डेट बताई थी शुरुआत में ही मैं आपको दिखाता हूं, उस डेट में आपको यहां पर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप क्लियर कर जाते हो तो 22 फरवरी 2021 को आपको मालूम हो जाएगा, और फिर यहां से दोस्तों आप लोग उसके बाद अपनी फीस को जमा कर सकते हो, जो कि आप माय ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करके फीस को जमा करोगे। क्योंकि ये आपका ऑनलाइन टेस्ट है तो आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है, और इसी लॉगिन आईडी के माध्यम से आपको अपनी क्लासेस अटेंड करनी होगी। ये आपका 3 मंथ का यानी कि 12 वीक्स का प्रोग्राम है। उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा DRDO की तरफ से, जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, जो कि हम सब जानते हैं। तो दोस्तों बस अब आपको इस डेट का ध्यान रखना है, जिस डेट में आपका ये एंट्रेंस टेस्ट है आपको यहाँ पर टाइम रहते हैं उसको अटेंड कर लेना है, और जो आपका सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ताकि आप इस टेस्ट में अपनी जगह बना पाओ और फिर आप इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को ले पाओ। एंड दोस्तों यहाँ पर अभी थोड़ी सी जानकारी और आपको फिलअप करनी है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ जानकारी अभी आपको फिलअप करनी है। जैसे कि यहाँ पर कुछ जानकारी तो आपकी पहले से फिलअप है, बट यहाँ पर जैसे कि डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, इस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका बर्थ ईयर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद यहाँ से मंथ और फिर डे तो आपकी DOB आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है, और नीचे आकर के आपको नेशनलिटी के ऊपर क्लिक करके इंडियन चूज करना है, और यहाँ पर रेसिडेंसी जो आपकी कंट्री है उसमें आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। तो चलिए इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीटली अपडेट हो चुकी है, और फिर यहाँ पर आपका जो कैटलॉग है वो आपको देखने को मिल पा रहा है। तो बेसिकली आपका कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, अब आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।